शीट नंबर 65 में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको स्पेशल नोट लिखवाया था, तीन पार्टिकल पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये तीन पार्टिकल है हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ना, वो वेलोसिटी नहीं दे रहा, वो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रहा है। अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, इसका मतलब तीनों के तीनों विल मूव इन अ सर्कल, क्योंकि वी और बी में एंगल 90 है। कंपेयर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, अब रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है, एम वी बाई बी क्यू, पर क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारी थ्योरी मैंने आपको करवा दी, और मैंने करवा दिया कि रेडियस को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अभी फॉर्मूला बुकलेट में लिखवाया मैंने, आर का फॉर्मूला यही था ना, तो ए एक बार प्रोटोन के लिए लगाओ, रेडियस ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है और बी भी तीनों का सेम है। और ए एक बार किसके लिए लगाओ, ड्यूट्रॉन के लिए लगाओ, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। एक बार अल्फा पार्टिकल लगाओ, तो आर अल्फा इज इक्वल टू मास अल्फा चार्ज अल्फा, राइट। तो अब प्रोटोन और ड्यूट्रॉन का अगर हम रेशियो निकाल लें, कि रेडियाई को कंपेयर करना है, रेशियो निकाल लें आर पी आर डी, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो ड्यूट्रॉन है उसका चार्ज प्रोटोन के इक्वल होता है, ये लिखवाया था, ये रहा। और जो मास है वो ट्वाइस होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 times होता है प्रोटोन के साथ, और चार्ज ट्वाइस होता है। तो पुट करते हैं, तो डिवाइड करके ये टर्म आ गई, तो ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटोन के इक्वल है, और ड्यूट्रॉन का जो मास है वो ट्वाइस प्रोटोन के इक्वल है। ये कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया, एक रेशियो आ गई R1 R2 की। फिर उसी तरीके से प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल की रेशियो को डिवाइड करो, ये आपने डिवाइड किया, चार्ज अल्फा पार्टिकल पे क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटोन, और मास अल्फा पार्टिकल का 4 times दैट ऑफ प्रोटोन, डिवाइड करेंगे रेडियस की रेशियो आ गई। तो एक प्रोटोन ड्यूट्रॉन की रेशियो आ गई, प्रोटोन और अल्फा की रेशियो आ गई, दोनों को मर्ज करके तीनों की रेशियो आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। फेंके तो सबको सीधा था, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो वो तो निकल गया सीधा। पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल पे चार्ज है तो वो किस में घूमे, ना सर्कल, सर्कल में घूमेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब आपको ये बताना है कि ये तो हो गया न्यूट्रॉन, इन में से कौन इलेक्ट्रॉन कौन अल्फा पार्टिकल, तो एक बात बताओ, न्यूट्रॉन तो छोड़ो, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, तो इसमें दो पार्टिकल पॉजिटिव हैं और एक पार्टिकल नेगेटिव है। तो वैसे तो अगर आंसर मार्क करना पता लग ही रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो पता है कि डी इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है। लेकिन ये भी मेंशन करना है इन में से कौन अल्फा और कौन प्रोटॉन है। अब रूल नंबर वन, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेट सीधा गए थे, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, तो फोर्स कहां पर लगेगी, इधर, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगी, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर निकल लिया, तो इलेक्ट्रॉन यहां निकल लिया। बी ये रहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये रहा तो फोर्स ये रही, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां का रेडियस सर्कल में ऐसे घूमेंगे और नेगेटिव ऐसे घूमेगा। तो ये भी तरीका है फैसला करने, ये एक्चुअल तरीका है फैसला करने का।
अब इनमें से कौन अल्फा और कौन प्रोटॉन वो चेक कर लेते हैं। रेडियस की वैल्यू होती क्या है? तो रेडियस होता है एम वी बाई बी क्यू, और इस क्वेश्चन में रेडियस मास बाय चार्ज रेशियो के प्रोपोर्शनल है, चाहे प्रोटॉन है चाहे ड्यूट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा पार्टिकल, रेडियस अल्फा पार्टिकल का क्या होगा? मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, और रेडियस प्रोटॉन का क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये टर्म आ गई। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? फोर टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन। तो रेशियो आ गई आर अल्फा की प्रोटॉन के साथ दो, यानी कि आर ऑफ अल्फा टू टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन का मतलब अल्फा का रेडियस प्रोटॉन से बड़ा होगा। अब ये देखो, जिसका सर्कल बड़ा बनेगा इसका सर्कल छोटा बनेगा। तो ये कौन हुआ? बी अल्फा हुआ, और ये कौन हुआ? प्रोटॉन हुआ। तो बड़ा सर्कल अल्फा, छोटा सर्कल प्रोटॉन। तो कैसे चेक करना समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सर आपने लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाया एक बार वो बता लेफ्ट दूं। हैंड ऐसे बताया कि आपका लेफ्ट हैंड बी यहां बोर्ड के अंदर है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां पर है? ऊपर है। तो फोर्स कहां पर है? लेफ्ट है। तो पॉजिटिवली चार्ज फोर्स कहां लगा रही है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये रहा, तो पॉजिटिव इधर जाएगा, तो नेगेटिव राइट जाएगा। यस नेक्स्ट। क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ऐसे मूव कर रही थी, फिर इट एंटर्स अ रीजन कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन। नेगेटिव z डायरेक्शन कहां पर होती है? बोर्ड के अंदर, बोर्ड के इनसाइड। बोर्ड के बाहर पॉजिटिव z होता है, बोर्ड के अंदर नेगेटिव z होता है। अब वो कह रहा है कि ये जो रीजन है, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये मान लो x इज इक्वल टू जीरो है, ये x इज इक्वल टू ए का पॉइंट है और x इक्वल टू बी का पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ए और बी के बीच में है बस। तो अगर कोई पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है तो वो कैसे घूमेगा? सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूम के वापस आने की कोशिश करेगा। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा है फिर तो बाहर निकल जाएगा टेंजेंशियल, और अगर पूरा पूरा है फिर ऐसे टच करके वापस आ जाए, ऐसे बनता है। तो अब इस केस में वो क्या कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी रिक्वायर्ड। आपको देखो, अगर आपने तेज भेज दिया वी को फिर तो यार वो सीधा बाहर ही निकल जाएगा। कम से कम वेलोसिटी भेजोगे हल्का सा फिर तो ऐसे ही वापस आ जाएगा। तो आपको ऐसे भेजना है ना, बहुत टू स्लो ना टू फास्ट, ऐसे वेलोसिटी भेजना है सो दैट इट कैन एंटर एक्स ग्रेटर देन बी इज व्हाट डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है? एक्स इक्वल टू बी, पार्टिकल बस इसको टच करता हुआ हल्का सा बाहर चला, मतलब बॉर्डर लाइन केस करने, बाउंड्री, बाउंड्री केस क्या होता है? बिल्कुल टच करता हुआ इसको वापस आ जाए, ऐसा वो चाहता है। दूसरे रीजन में ना जाए, बस उस बाउंड्री को टच करता हुआ वापस आ जाए। तो ये बताओ इस पार्टिकल का रेडियस क्या है? इतना है। आर की वैल्यू क्या होगी? बी माइनस ए, क्योंकि यहां से यहां तक ओरिजिन तक डिस्टेंस बी है और ये ए है, तो बी माइनस ए। रेडियस की वैल्यू होती क्या है? रेडियस की वैल्यू यहां पर होगी एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, और आर की जगह क्या पुट करेंगे? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए इज एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए इंटू बी क्यू डिवाइडेड बाय मास एम। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आंसर है ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक?
सर यहाँ पे एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू ए वो वाला बात नहीं समझ आई। वो कह रहे हैं कि जैसे ये मान लो x इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है ना, ये वाला, तो ये x इक्वल टू ए है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे, और ये x इज इक्वल टू बी है, तो x ए से x बी तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बस ये कह रहे हैं, ना इधर है ना इधर है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ओके सर। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड यू अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू जीरो एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज माइनस बी नॉट के कैप। माइनस के कैप का मतलब क्या है? इनसाइड। तो बी नॉट का मतलब मैग्नीट्यूड बी, बी नॉट है तो बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। विच एग्जिस्ट टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नहीं है इधर है। इलेक्ट्रॉन आता है भागा हुआ यू स्ट्रेट, इसमें एंटर करता है तो इट विल मूव इन अ सर्कल, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कल में मूव करेगा। अब आपको ये बताना है कि जब वो एंटर कर जाएगा इसमें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और मैंने ये चार की जगह एक ही ऑप्शन लिया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो वी और यू में रिलेशन क्या है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है, वी और यू का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्यों चेंज नहीं होगा? यू से आएगा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगी, फोर्स होगी तो क्या चेंज होगी वेलोसिटी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है पार्टिकल की, वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो वी और यू विल रिमेन सेम। पहला आंसर। दूसरा, डायरेक्शन क्या होगी इसके मूवमेंट की? तो फर्स्ट फिंगर बी ये रहा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता सेंट्रल फिंगर इधर होती, फोर्स कहां लगती? ऊपर, तो पार्टिकल सर्कल कहां घुमाता? ऊपर, पर क्योंकि नेगेटिव है तो फोर्स कहां लगेगी? नीचे, तो पार्टिकल कैसे घूमेगा? नीचे। तो प्रोटोन होता तो ऊपर, इलेक्ट्रॉन है तो नीचे, नीचे का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आंसर होगा वाई लेस देन जीरो की अलोंग जाएगा। कैसे डिसाइड करना समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ स्लिट सिस्टम इज एज शोन। ये स्लिट सिस्टम क्या होता है? एक मान लो एक स्क्रीन है और दीवार है, या फिर यहां पर दो ओपनिंग है, हल्की सी छोटी छोटी ओपनिंग है, ओपनिंग्स को स्लिट बोलते हैं। तो दो स्लिट्स हैं पतली पतली। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं मोमेंटम फिल्टर। मतलब हुआ क्या कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स को भेजा गया, कुछ अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सब भेजते गए। मतलब किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, किसी की कम थी, किसी की मॉडरेट थी, किसी की बहुत ही कम थी। अब जिसकी तो ज़्यादा एनर्जी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि सारे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दे विल मूव इन अ सर्कल। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? एम वी बाय बी क्यू। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इन शॉर्ट, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और उसका रेडियस भी ज़्यादा है। तो सोचो, अगर बहुत हाई वेलोसिटी की एंट्री होती है पार्टिकल की, इसमें बड़ा रेडियस काट के वो यहाँ आके टकराएगा, इस होल में से बाहर निकल नहीं पाएगा, हो गया ना फिल्टर। बहुत ही और हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, वो भी सर्कल में आके यहाँ टकराएंगे बड़े रेडियस में, यहाँ निकल नहीं पाएंगे। बहुत छोटी एनर्जीज हैं, बहुत कम वेलोसिटी है, तो यहाँ से टक्कर खा जाएगा। तो मेरे को उन पार्टिकल को बाहर निकालना है जो रेडियस इतना ही, डायमीटर इतना ही फॉलो करे बस। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो सारे रिजेक्ट होते गए, मैग्नेटिक फील्ड भी था, सिर्फ अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल पाया। सब रिजेक्ट हो गए, सिर्फ अल्फा बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक अल्फा बाहर आया, और एनर्जी कितने के साथ? 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। केस नंबर वन। फिर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, 2.3 भी कर दिया। तो फिर देखा कि अल्फा पार्टिकल की जगह कौन बाहर आ गया? ड्यूट्रॉन बाहर आ गया। तो बताओ ड्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना तो पता है। रेडियस क्या होगा इसमें जो कवर होगा? एम वी बाय बी क्यू। सिंपल है, एम वी बाय बी क्यू। तो रेडियस इज एम वी, इसको लेने दो, आर इज एम वी बाय बी क्यू। एम वी क्या है? बी क्यू आर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि इसमें हमने निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन निकालने है, और प्रोटॉन की तो अल्फा पार्टिकल तो कुछ में गिवन ही एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर हमने की हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वैसे तो होती है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, पर मॉडिफाई करके मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करके एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m। एम वी क्या होता है? पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। मोमेंटम पी क्या है? बी क्यू आर, पुट कर दिया। तो ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब पहले केस में ड्यूट्रॉन को भेजो, ड्यूट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 2.3 बी है, या चलो बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यूट्रॉन का है, चार्ज ड्यूट्रॉन का है, रेडियस ड्यूट्रॉन का है, मास ड्यूट्रॉन का है। फिर अल्फा को भेजो, सब कुछ अल्फा के लिए, दोनों को डिवाइड कर लो, ये रेशियो आ गई। चार्ज ड्यूट्रॉन पे प्रोटॉन के इक्वल होता है, ड्यूट्रॉन के केस में मैग्नेटिक फील्ड 2.3 बी है, रेडियस तो आर ही रहेगा दोनों केस में, मास 4 टाइम प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल का, चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2 ही है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है, रेडियस इसमें आर है, और ड्यूट्रॉन का इसमें जो मास है वो 2 × mp है। डिवाइड करके रेशियो आ गई। आपको काइनेटिक एनर्जी अल्फा की गिवन है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गई? ड्यूट्रॉन की एनर्जी आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक ये आंसर है। नेक्स्ट,
प्रोटॉन जिसका मास m है एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v फ्लाइज थ्रू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड. द फील्ड ऑक्यूपाइज अ रीजन ऑफ विड्थ d. तो फील्ड में एंटर करता है, फील्ड खत्म हो जाता है, पार्टिकल सीधा टेंजेंशियली चल जाता है मेकिंग एन एंगल ऑफ एल्फा. तो कह रहे साइन एल्फा निकालो. ये थ्योरी में किया था लास्ट टाइम, लास्ट केस यही था. क्या करना होता है इसमें, इसका सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा ऐसे ऐसे. तो याद करो ये अल्फा, तो ये अल्फा बताया था, ये डी है, ये आर. साइन अल्फा क्या होगा, डी बाय आर ऐसे. और रेडियस क्या होगा, एम वी बाय बी क्यू ऐसे. प्रॉब्लम ये है इसमें वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसमें पोटेंशियल गिवन है. तो कोई बात नहीं, अगर पोटेंशियल गिवन है तो क्या सिखाया था, क्यू इन टू वी पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी आ गई. इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दिया तो ये टर्म आ गई, वैसे तो ये आंसर आ गया. पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ना दिखे तो Q और M को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो Q स्क्वायर M स्क्वायर हो गया, M से M, Q से Q कैंसिल, कोई तो ऑप्शन मिलेगा. बेसिक तो फॉर्मूला यहीं तक है. तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा लास्ट टाइम वाला, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे लगेगा इसमें, ये नेक्स्ट टाइम करना है. हमने अभी 64 हो गया था. सिक्सटी टू नंबर शीट में ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. हाँ 62 हो गया था.